हेलो, गुड इवनिंग। इवनिंग का समय है और मैं निकल गई हूँ। आज सप्तमी है तो सप्तमी को पट खुल जाता है हमारे दुर्गा माता की, तो पट खुल गया है और बच्चे को मन था कि मम्मी चलो थोड़ा सा हम लोग भी घूम आए, तो घूमने के लिए मैं लेकर चली आई हूँ अपने बच्चे बच्ची को। तो देखिए पंडाल हो गया और शंकर भगवान को पीक लगा हुआ है पंडाल की आगे, और नंदी भगवान है। मैं आप सभी से शेयर करा दे रही हूँ। देखिए नंदी भगवान हो, कितना अच्छा लग रहा है और खुशी खुशी सा भी लग रहा है कि भगवान, ये माता रानी ये 2 साल पर ही दिख रही हैं। पिछले साल तो हम लोग नहीं देखे थे, और हमारा जो रोड था, मोहल्ला था, पूरा सुना सुना सा पड़ गया था, क्योंकि बीमारी की वजह से ऐसा बीमारी हमारी दुनिया में आया कि घर के घर और रोड के रोड सब सुना बिराना पड़ गया था। तो देखिए माता रानी का सौभाग्य हुआ, कृपा हुआ, तो आज फिर वो दिन देखने को मिल गया जो हम 2 साल पीछे देखे थे। तो देखिए आज वो दिन देखने को मिल गया। ये पंडाल में प्रवेश कर गई हूँ। माता रानी का ये मंदिर है बना हुआ, यानी इनको मंदिर हम बोलते हैं, पंडाल बोलते हैं। तो यहाँ पर पाठ हो रहा है जो कि 9 दिन लोग रखते हैं व्रत, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पाठ हो रहा है, आरती भोग वहाँ सब कुछ हो गया। तो प्रसाद लेकर हम यहाँ से निकल गए हैं बच्ची को लेकर। ये देखिए रोड कितना अच्छा सा लग रहा है, लगता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत खुशी सी लग रहा है, लगता है माता रानी साक्षात घर में आकर बैठी हैं और हमारे विश्व में ही प्रवेश कर गई हैं माता रानी। तो कितना अच्छा लग रहा है, आज से ही हमारा जो शहर है चहल पहल रहेगा और बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं, यानी दशहरा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये पंडाल हुए, मैं दूसरे पंडाल में चली आई हूँ, और तो आप देख सकती हैं हम लोग 1 साल अपने समस्या और परेशानी सुख दुख से निपटते हैं, तो ये दिन देखने के मिलता है। ये तो हमारे हर धर्म में होता है, कोई भी चीज़ हम साल में एक बार जरूर मनाते हैं, यानी हमारे जन्मदिन हो गया तो साल में एक बार मनता है। कोई भी पर्व होता है हमारे साल में एक ही बार आता है, लेकिन जब हम सुख दुख से अपने निपट जाते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी स्वस्थ हम रहते हैं, तभी ये दिन देखने को मिलता है। तो देखिए माता रानी कितनी अच्छी लग रही हैं, शेर पर विराजमान है, और साइड में जो और देवी देवता लोग होते हैं, यानी गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, सभी लोग का पीक लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे भजन जो होता है माता रानी को, तो लोग डीजे में बजा रहे हैं। मैं आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ क्योंकि आवाज़ हमको नहीं डालना है यूट्यूब पर, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मन नहीं कर रहा था कि पंडाल से हम निकलें, यहाँ से अपने घर जाएँ। तो यहाँ से हम निकल गए हैं घर के लिए, तो बस थोड़ा सा रास्ते में आप सबसे शेयर करा दे रही हूँ। बहुत अच्छा लगता था माता रानी के दर्शन करके, हम और बच्चे यहाँ से चल दिए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा।